वाला एपिसोड काफ़ी इमोशनल और रिक्वेस्टेड होगा जी बिल्कुल बहुत कुछ है बताने को बुशरा आप जब 9 साल की थी तो एक बहुत ट्रामेटिक इंसिडेंट हुआ था आपकी ज़िंदगी में आप वो शेयर करना चाहेंगी असल में ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट जो होती है वो मेरी बर्थ पे से ही होती है कि मेरी मदर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरी उस पर पैदाइश पे उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फे, फेस करनी पड़ी थी डिलीवरी पे हाँ। एक तरह से वो कहते हैं ना मौत के मुंह से वापस आना ओके। वो, वो वाला सीन था तो खैर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था उन्हें कि नेक्स्ट कोई प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए कोई बेबी नहीं होना चाहिए लेकिन मामा जो थी वो खैर मैं नाइन इयर्स की हो गई तो कोई इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ मामा जो थी वो वो वाली मदर्स होती है ना बेटों की माए उनकी ये थी कि मेरे भाई का नाम है अली तो उनका ये था कि अली के साथ का कोई होना चाहिए क्योंकि आपके पास एक बड़ी बहन भी थी तो सब... दो थे जी हम मेरी बड़ी बहन थी और मैं थी और सबसे बड़ा भाई था तो उनको था कि अली के साथ का अली अकेला है मेरा अली के साथ का कोई होना चाहिए तो बस उस उसमें जो है वो न, आ, प्लानिंग आ, प्लान किया होगा नेक्स्ट बेबी तो प्रेग्नेंट हो गए हाँ तो खैर वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत वही कॉम्प्लीकेशन रही एनेमिक थी तो लेकिन फिर भी सब आ, चल रहा था होप थी एक के आ, सब जो है वो सही होगा खैर आ... उनके डॉक्टर नाराज नहीं हुए थे उनसे जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं कंसिडरिंग उनकी इतनी ज़्यादा जान खतरे में थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाँ, हाँ हो, हुए हो भी होंगे लेकिन आ, मैं आप छोटी नहीं पता थी, होगा, बहुत छोटी हाँ, थी। जो चीजें मुझे याद है जो मेरे सामने थी या जो मैंने सुनी है कि मेरी बर्थ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी ये मैंने सुना था कि हर किसी के मुंह से सुना है कि मैं मेरे उस पे जो है वो बहुत मौत के मुंह से वापस आए हैं वो सब कुछ तो फिर खैर थ्रू आउट प्रेगनेंसी मामा जो थी वो हम लोगों को समझाती रहती थी स्पेशली मुझे बहन को भी करती थी भाई से पता नहीं इतना करती थी नहीं करती थी बहन से बहन बहुत माशाल्लाह से हमेशा से सेंसिबल थी मैं थोड़ी सी आ, वो अनोइंग इस, इस तरह की थी ना तो खेल कूद में दिमाग ज़्यादा तो वो समझाती थी मुझे कि देखो आ, आ, तंग मत करना और मैं नहीं होंगी या मैं चली जाऊँगी तो पापा को तंग नहीं करना और सबका ख्याल रखना देखो जिद नहीं करना तो उस वक्त बहुत अजीब सा भी लगता था और बहुत ज़्यादा मैं जो ना मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाती थी ये बातें सुन के ना डर सा लगा रहता था तो फिर जो है वो फिर एक द, फिर एक दफ़ा कुछ दिन बाद फिर समझा रही फिर कहने लगी कि देखो दूसरी मामा आएंगी और देखो उनको तंग नहीं करना और जो कहेंगी वो सुनना इस तरह की बातें और अपनी लाइफ में बहुत वो देखी थी उन्होंने शादी से पहले कि वो होता है ना इतने फाइनेंशली इतने स्टेबल नहीं थे काफ़ी बहुत स्ट्रगल की सेल्फ मेड थी तो उनका यही माइंडसेट हमेशा से रहा कि जो मैंने देखा वो मेरे बच्चे नहीं देखेंगे तो हमने कभी भी अपने बचपन से कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं देखी हमेशा जो चाहिए था सब बाक़ियों से सबसे आ, मतलब बाकियों से बहुत आगे होते थे हम लोग और बहुत बेहतर हमेशा बहुत अच्छा आ, उन्होंने लाइफस्टाइल हमारा रखा एक लग्जरियस लाइफस्टाइल था हमारा ट्रीट तो, करती रहती हाँ तो उससे हमें और उससे हमें यह आदत हुई कि हम लोग फूडी रहे माशा खाना पीना और वो मैं वो बच्चा रही कि जो कभी जैसे बच्चे आजकल होते हैं सुबह उठ के नाश्ता नहीं किया जाता ऐसा नहीं था कोई सीन मैं जब तक नाश्ता ना कर रूँ मैं मैं स्कूल नहीं जा सकती थी तो जो है वो और नाश्ते में भी भरपूर नाश्ता ऐसा कोई वाला सीन नहीं होता था पराठे वराठे वाला तो उनको ये चीज़ जाहिर सी बात है उनके बच्चे उनको पता है कि क्या पसंद है क्या नापस नहीं पसंद होने तो वो उनको ये था कि पराठों के तो वही शौकीन है तो यही समझाती थी कि देखो प्रेगनेंसी की बात करी हूं कि अपनी कि दूसरी मामा आएंगी तो वो बड़े बड़े पराठे बनाएंगी और बड़ी बड़ी रोटियाँ डालेंगी और वो आ, हमारी चाची हैं एक तो वो बहुत हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वो बहुत ना बहुत अच्छे मामा भी बहुत अच्छे पराठे बनाती थी लेकिन वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वो हमेशा दूसरे का चीज़ देखे देखे मामा वो वो ऐसे बनाती वैसे नहीं बनाती हाँ तो मामा फिर मामा कहेंगी देखो वो ऐसे पराठे बनाएंगी और इस तरह ना वो माइंड बनाती रहती थी खैर फिर जो है वो टाइम आया डिलीवरी का दो या तीन दिन पहले तक मामा अपनी डिलीवरी से जॉब पे गई हैं यूनिवर्सिटी भी गई उनका कोर्स चल रहा। वो जो कर रही थी आईटी में या जावा में वो चल रहा था तो मामा जब जा रही थी डिलीवरी के लिए आ, थर्ड uh, जुलाई नहीं सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड थ्री की बात है तो वो वो सीन अब तक मुझे एक कहते हैं ना नौ साल की बच्ची थी मैं इतना बच्चों को याद भी नहीं रहता लेकिन मैं उन बच्चों में से हूँ कि जिसको जो है ना वो नौ साल में भी जिसने जो डायलॉग मुझे कूद बोला है वो मेरे जहन में वो चीज़ फिट हुई हुई है और मुझे याद है कि नहीं इन्होंने ये बोला था बस uh, मतलब मैं मेरा हमेशा होता था कि जब वो कहीं जा रही होती थी तो मेरा मैं हमेशा रोती थी तो मैं उस दिन मैं नहीं रोई ना क्योंकि एक दर, मा, क्योंकि मामा हमेशा जब मैं वो जा रही होती थी और मैं रोती थी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी कि देखो जाते हुए के पीछे रोते नहीं हैं वो हमेशा ये कहती थी कि, कि जाते हुए नहुसत होती है ये जब कोई जा रहा होता है तो रोया नहीं करो तो इस पर बहुत डांट पड़ती थी और इवन मार भी पड़ती थी तो जो है वो वो उस दिन जा रही थी तो मैं खुद से डर के मारे रोई नहीं क्योंकि एक खुद भी एक दिल में कहीं ना कहीं कुछ, कुछ थी। इंपेंडिंग गया पता नहीं हाँ जहन में कुछ था कुछ डर था कुछ खौफ था वो मैं मैं अभी तक वो चीज़ जो है न, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो लेकिन मैं रोई नहीं आ, क्योंकि मुझे था कि खुदा न खास्ता कुछ मेरे रोने से कुछ ऐसा ना हो जाए तो वो जब जा रही थी तो मैंने से वो जा रही थी तो मैंने से इतना कहा कि मैं भी चलूँ सो सेड नहीं मैं आ जाऊँगी मैं आ जाऊँगी और जब वो थोड़ी सी ही स्टेयर्स थी और वो जिस तरह वो उतरी हैं तो वो पीछे मतलब बार बार कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देती रहना देखो इस तरह कर लेना देखो देखो और जब लास्ट उन्होंने क्या देखो आलू गोश्त बनाया है खा लेना फिर उन्होंने पीछे पलट के मतलब घर देखा जो भी शायद उनको भी पता था तो वो चली गई खैर फिर दिल मेरा वो एक होता है ना हमेशा बड़ों से सुना था कि घबराहट घबराहट हो रही है घबराहट हो रही है कभी वो सोचती थी क्या घबराहट क्या होती है लेकिन उस रात एक्चुअली मैंने फील किया वो एक, एक नौ साल की बच्ची ने कि घबराहट क्या होती है क्योंकि एक कुछ मतलब किसी तरह कुछ सुकून ही नहीं आ रहा था तो बहुत बेचैनी सी थी तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे हम तो मैं ऊपर चली गई ना अब ऊपर जाके मैंने मैं अपनी कज़न से कहा कि मामा गई हैं मामा आ जाएंगी ना सो शी सेड हाँ आ जाएंगी ऐसे क्यों कह रही हो मैंने कहा अच्छा उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया हमें जो इतनी फूडी जो कभी खाना ना स्किप करें तो उस दिन दिल ही नहीं किया खाना नहीं खाया तो खैर वापस नीचे आई सोने का टाइम हो गया था तो जो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मुझे जो है ना वो मैं बचपन से, न, से दे ना बिल्लियों से देना बहुत मुझे था प्यार ना मैं बिल्लियों को पकड़ लेना बिल्लियों को दूध पिलाना हाथ लगा लेना तो मुझे कोई ऐसा डर खौफ कभी नहीं रहा ना लेकिन जो है वो उस रात में हमारे घर के आगे कोई हाई रूफ थी या कोई बड़ी सी गाड़ी थी उसके पीछे कुछ तीन चार बिल्लियाँ थी जो मुसलसल उस रात बहुत वहशत वाली आवाज़ से रोए रो रही थी तो उससे भी जो है ना वो बहुत बुरा लग रहा था एनजाइटी हो रही थी। हाँ एंजाइटी हो रही थी और बहुत अजीब तरह का रो रही थी ना और मुसलसल वो रोती रही हैं तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में आई थिंक अराउंड सिक्स थर्टी और सेवन तो आ गई थी ये खबर के डेथ uh, हो गई है अच्छा वो चीज़ सब uh, चीज़ें गुजर गई खैर वो जो एक फेयर है ना बिल्लियों का वो स्टिल है मैं देखती हूँ और मुझे वहशत होती है मुझे मेरे लिए चाहे वो कितना भी कोई क्यूट आजकल तो बहुत ज़्यादा ये कैट्स का ट्रेंड हो गया है ना कि पालना है वो चाहे कितना भी कोई क्यूट बच्चा मेरे सामने ले आए लेकिन मुझे वहशत होती है देख के ना वो उनकी आवाज़ से उनकी वो एक चीज़ मेरे दिमाग में शायद बैठ गई है तो खैर वो चीज़ वो टाइम गुजर गया फिर जो है ये सबसे मुश्किल टाइम था जो आ, गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो टाइम शुरू वो टाइम स्टार्ट होता है जब मामा नहीं थी ठीक है वो आ, साल का आपकी बहन ने किया जो हुई थी अच्छा हाँ मेरी बहन को मेरी पप्पो ने ले लिया था छोटी वाली जो जो आप जो, आपकी बहन ने सर्वाइव कर लिया था की जी, जी 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 वो माशाल्लाह हेल्दी थी नॉर्मल थी सब तो वो आ, उसको फिर घर ले आए जितने सब मेहमान डेथ हुई थी तो सब मेहमान घर ही में थे पुप्पो सब लोग आ गई थी लाहौर में भी होते थे पुप्पो सब लोग आ गए थे तो आ, फिर जो है वो तब तक जब स, सब पुप्पो सब लोग घर ही में रहे तो वो बहन छोटी वाली थी वो भी साथ में ही रही लेकिन फिर पप्पो जब सब चले गए तो प्प्पो उसको अपने साथ ले गई तो पप्पो ने कहा क्योंकि मामा नहीं थी जाहिर सी बात उसको कौन देखता और hmm. जॉइंट फैमिली में थे हम चाची भी दो चाचियाँ साथ थी लेकिन दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल गोइंग वो वह उदय के जितने ही थे उनके बच्चे भी यानी न्यू न्यूली बॉर्न थे उनके बेबीज़ hmm. भी ना तो वो जाहिर सी बात है वो उनके लिए टफ होता और फिर एक ताइमी थी वो जो ऊपर रहती थी वो वो जो है वो वर्किंग वमन थी उनकी बच्चियाँ भी सब स्कूल गोइंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती थी तो वो उनके लिए भी जाहिर सी बात है टफ था तो पप्पो ने ले लिया था उसको अच्छा पप्पो से भी ज़्यादा विलिंग जो थे लेने के लिए वो पप्पो के हस्बैंड थे जो कि बाहर होते थे उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे एक इंतहाई बेहतरीन इंसान मतलब अरसे दराज में कभी ऐसे इंसान लोग पैदा होते हैं इस तरह के तो उन्होंने उनके इस्टार पे उनके विश पे उन्होंने हुदा को लिया था वरना एक किसी की औलाद को लेना और पालना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खैर फिर बहन बे को उन्होंने पोपो ने रख लिया आपको याद है क्या आपका क्या उस वक्त क्या सेंटिमेंट क्या फीलिंग्स थी जब ये सब हो रहा था आपकी जो आपने रात गुजारी थी उसके बाद ये वाली न्यूज़ मिलना इवन दो आप नहीं रोई थी इसी चक्कर में कि कुछ बुरा कुछ ना बुरा हो। ना हो जाए हाँ बस वो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक था बहुत ज़्यादा मैं बार बार मैं यही सोचती रहती थी तीन अच्छा दो दिन पहले यार एक दिन पहले तो मामा साथ थी फिर एक दिन गुजर जाता था दो दूसरा दिन आता था यार दो दिन पहले मामा साथ थी ये मतलब डेज काउंट करती रहती थी मैं कि अच्छा फिर जो है वो सारी मामा के बाद जो है वो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारे ददियाल वालों ने ले ली पूरी फैमिली ने और वही हमारा ख्याल रखते थे खाना पीना तो खैर नाश्ता आता था सुबह में हमारे स्कूल टाइम पे तो ट्रे आती थी तो वो लिमिटेड होता था नाश्ता जाहिर सी बात है तो वो आ, अब आ, वो भाई के हिस्से में होता था तो भाई खाता था तो हमारे लिए होता था चाय होती थी लेकिन फिर जो है वो क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा पराठों की शौकीन थी तो मैं अब वेट करती थी कि भाई क्योंकि भाई की आदत थी साइड्स बचा देता था तो वो मैं वेट करती थी कि वो आ, बचाएगा तो मैं खाऊंगी मैं लूँगी लेकिन सिर्फ भाई के लिए क्यों बहनों के लिए क्यों नहीं <laughs> नहीं वो आ, पता नहीं तो आ, अच्छा ये अभी मैं ऐसे बता रही हूँ लेकिन अब मैं जब ये सोचती हूँ अब मैं जब बैठ के ये सोचती हूँ कि तो वाकई मतलब आंसू निकल आता है कि ये टाइम भी गुजारा कि एक जो है वो सिर्फ पराठों की साइड्स के लिए तो उस वक्त मैं अगर बनाना ही नहीं आता था वरना खुद ही बना लेती मैं तो वो एक परा पराठों की साइड्स के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ बैठ के क्या वो छोड़ेगा तो मैं लूँगी खैर फिर कितनी आपकी एक आ, आपकी अम्मी ने आदत बनाई हुई हाँ, थी तो और इतने आपको यू you नो know, प्यार से पाला हुआ था हाँ, और फिर उसके बाद अचानक से एक ये वाला मोमेंट भी आया जब जी, वेट करना पड़ा उसी पराठे के लिए जो आपकी अम्मी इतने ज़्यादा बनाती थी आप लोगों तो खैर फिर ये टाइम भी आता आहिस्ता गुजर गया फिर जो है वो आ, आपके द... नोटिस करते थे ये चीजें कि हाँ, भाई के लिए नाश्ता है और बेटियों के लिए नहीं है तो वो हाँ, वो, आ, वो अपनी रस... तरफ से पूरी कोशिश करते कि कि मैं हर चीज ले, आप ले हाँ, 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 हाँ। कि ये नहीं तो केक रस हमें बहुत पसंद थे केक रस लाते थे सब कुछ ढाई साल हमने ये पीरियड गुजारा है पर ढाई साल बाद जो है वो मामा सेकेंड वाली मामा जो है वो आ गई थी पापा की शादी हो गई दूसरी अच्छा मैं, मैं कभी उनके लिए स्टेप मदर यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत एक नेगेटिव वाइब आती है आपको याद है लेकिन उस आ, उस टाइम के बारे में आपको वाला टाइम याद है जब आपके पापा की शादी हुई वो क्या फेस्टिविटीज़ थी उनको इंट्रोड्यूस करवाना ये हाँ, सारी चीज़ें हाँ जब शादी हुई पापा की वो फैमिली आई थी घर पापा के एक फ्रेंड हैं उन्होंने ये रिश्ता बताया था तो जब वो फैमिली आई घर तो नीचे हमें लेके गए फिर ऊपर आए पप्पा कैसा लगा मिलके मैंने कहा वहाँ पप्पा चाचू के रिश्ते के लिए आए थे तो पापा ने कहा कि नहीं ये आपके पापा के लिए आए थे आई वॉज लाइक अच्छा क्योंकि जहन में नहीं था ना इस तरह के खैर मुझे आ, मैं मैंने मुखालफत नहीं की मुखालफत करने वाली मेरी बहन थी लेकिन वो हर उसमें करती थी आ, कभी इस तरह की कोई बात होती थी कि वो होती है ना बच्चों में कि नहीं आ, मामा की जगह कोई ले लेगा तो वो वाली एक चीज़ होती थी वो बहन में थी फिर जो है वो सारी बात बात डन हो गई फिर आप लोग तो मिले उनसे शादी से, से पहले। फिर उन्होंने उनकी फैमिली ने बुलाया कि आए और बच्चों को बच्चों को लेके आइएगा एक दिन छोड़ दीजिएगा हमारे पास तो यह है कि बच्चे थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे मिल लेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो खैर उस वक्त में भी मुझे बहुत समझा समझू के भेजा गया कि देखो कोई बेवकूफ़े वाली बात नहीं करना कोई इस तरह का कुछ नहीं करना और ये नहीं करना चुप रहना <laughs> चुप रहना हमारे यहाँ तो पापा की चले सेकेंड मैरिज थी इतना ज़्यादा वो वाला सीन नहीं था लेकिन वहाँ तो माँ जो जिनसे होने जा रही थी उनकी तो फर्स्ट मैरिज थी तो वहाँ तो एक अलग सीन था और सब जो है वो ये बड़े दस्तखान लग रहे हैं तो वो चीज़ इतनी मैं वहाँ पे एकदम से चार्ज हो गई तो आ, बहन जो है ना वो एक एक मेरी स्लीव्स खींच खींच के मुझे चुपके चुपके से बैठ जाओ बैठ जाओ लेकिन जो आप क्या कह रही थी नहीं यानी नहीं, नहीं ब, बस ये 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 देख लूँ वो देख लूँ या ढोल रखा हुआ तो इतना ज़्यादा ढोल का वो हो गया कि भजाएं ढोल भजाएं तो सबको बिठा दिया कि वो कि नई नई पीस जिद वहां पे जिद डाल दी ना कि ढोल तो बजेगा तो वो अब दोल हाँ। तो वो 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 मेल कजन भी कह रहे हैं कि पहली बच्ची देखिए बाप की शाद, दूसरी शादी पे ढोल बजाते हुए आपके बहन ने आपके अबू को बताई बात मैं पापा से क्या बोल रही हूँ उस पर पापा को गुस्सा आ गया कि मुझे छोड़ दे यहाँ पे मतलब पहली दफ़ा आई हूँ मैं और पापा से कह रही हूँ मुझे छोड़ दें यहाँ पे आप आप तो उस पर डांट भी पड़ी सीधे इंसान के घर चलो खैर <laughs> शादी हो गई और वो घर मामा घर आ गई हमने बहुत टफ टाइम दिया उन्हें बहुत टफ टाइम दिया तो क्योंकि मैं एक इंतहाई जिद्दी भाई भी थोड़ा सा था ज़िद्दी और आपने तो, इतना ज़्यादा ट्रामा एक्सपीरियंस किया था जिसके लिए अभी तक वो नहीं मिला था कोई रिकनसिलियेशन या रिलीफ नहीं मिला था अभी तक वो किसी ने बैठ के काउंसिल नहीं किया था कभी तक वो वाला पीरियड भी नहीं आपका ओवर हुआ था जो एक ग्रीविंग पीरियड होता है लेकिन वो पापा ने कम्पनसेट करने की फुली कोशिश, कोशिश की, की, लेकिन ही आ, पे थेरेपिस्ट हाँ, वो खुद भी तो ग्रीव कर रहे थे हाँ, और सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट उस वक्त ददियाल वाले बने जब आपकी नई मामा घर में आई और आप और आपके भाई दोनों बहुत जिद करते थे तो उनका क्या रवैया था और उनके टेम्परमेंट कैसा था जनरली नेचर कैसा था उनका वह मतलब तो बहुत डिसिप्लिन वाली थी वो बहुत डिसिप्लिन वाली हैं तो कि कोई चीज़ नहीं ऐसी नहीं उन्होंने समझे उन्होंने हमें अपने रंग में ढाल दिया अपने रंग में मतलब हमारे रंग में वो उतना नहीं डाली हमें अपने रंग में ढाल दिया हमें सीधा कर दिया तो ये वाली चीज़ थी तो पहनने ओढ़ने का ढंग सिखा दिया एक कॉन्सेप्शन होता है ना कि स्टेप मदर आ रही हैं ऐसी होंगी वैसी होंगी तो वो बिल्कुल उसके बरक्स थी और, और अब क्या रिलेशनशिप है आप लोग की शादियों के बाद? अब ये रिलेशनशिप है कि शादी उन्होंने अपनी पसंद से अपने हाथों से सबकी सब कुछ किया इनफैक्ट मेरा जब रिश्ता हो रहा था तो वो लोग आके देख के गए सब कुछ तो जब मामा स्पेशली गई फिर उनके पास ना दोबारा कि ये चीज़ शादी होने से पहले बता दी जाए आ, फिर कहती हैं कि और हम जो है ना वो इनकी मामा नहीं है मेरे तो ना वो वो बताते हैं कि हम मेरे हस्बैंड बताते हैं हम उनके देख हैं जी वो यू कह रहे हैं कि जी तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ हा, हम इनकी इनकी मामा की डेथ हो गई थी और ये आठ नौ साल की थी और फिर हम आए तो वो लोग तो वो लोग बहुत तीनों जगह यही हुआ भाई के रिश्ते में जब अलग से बताने गई ना तो वो उनके सास ससुर भी हैं यूं ये सबके यही रिएक्शन होते थे क्योंकि कहीं से फील ही नहीं होता था हम लोग हर चीज में ना नाज इतने क्लोज हाँ, है हर चीज में जब मेरा रिश्ता आया फर्स्ट टाइम वो, वो लोग मुझे देखने आए तो मैं मामा की आंखों पे चल रही थी आंखों पे मामा ने कहा बैठ गई मामा ने कहा चल खड़ी हो गई <laughs> तो ये वाली चीज़ ना कि क्लोज <laughs> इतनी ना इतनी क्लोज बाउंडिंग कि उनकी हाँ, नजरों पर ना पहचान जाते थे कि अच्छा ये चीज मतलब उनको बहुत स्ट्रेंज लगा ये सुन के

मैं जी रही थी अपनी ज़िंदगी बेफिक्रियों के साथ आ, था ये यकीन है मेरे साथ तेरी ममता का साथ तेरी छाँव तले महफूज रहे मेरे शब रोज के जैसे लाजमी हो संदलों में खुशबुओं का साथ अचानक यू हुआ कोई लहर आई थी तेज़ी से बहा के ले गई मेरी तमाम खुशियाँ अपने साथ मैं रोई भी पुकारा भी तुझे ढूंढा दीवाना वार मगर ना पा सकी फिर से तेरे हाथों में अपना हाथ मैंने अक्सर सुना था माँ नहीं नेमुल बदल तेरा बस यही सोच के दिल और बैठ जाता था मेरा यही हसरत रही कि फिर कहीं मिल जाए तेरा साथ कि फिर हो जाए संदलों में खुशबुओं का बसेरा फिर यूं हुआ कि उसने सुन ली जो बैठा है अर्श पे जो अपने बंदों को चाहता है सत्तर माँ से बढ़ के मुजस्म एक फ़रिश्ता हुआ शामिल फिर हम सब में कि जिसमें मामता वो वही है जो मौजूद थी तुझ में महज फ़र्क ये है कि बस जिसमो जा नहीं है तुझसा मगर जो रूह थी तेरी वही फूकी गई उसमें वही मोहब्बतें हैं चाहते हैं वो ये फिक्रें हैं कि जिसके साए तले हम तीनों परवान चढ़े हैं मैं फिर से जी रही हूँ ज़िंदगी बेफिक्रियों के साथ है ये यकीन है मेरे साथ फिर एक मामता का साथ